हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे मराठा अंपायर का इतिहास, और मराठा अंपायर के इतिहास में अभी तक हमने 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th लेसन है। तो 4th लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम के बाद, उनके बाद जो पेशवा हुए उनका इतिहास देखेंगे, उनके समय पे क्या क्या घटनाएं हुई, और उसके बाद ये जो मराठा अंपायर है इसका डिक्लाइन किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारे मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 32nd है। इससे पहले हमने 31 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन लेसन को आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आपका दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो, ये हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, आने वाले लेसन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल का एग्जाम हो या फिर नॉन टेक्निकल का हो, जैसे एसएससी, जेईई वगैरह, तो उनकी भी हम तैयारी कराते हैं इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्विक रिविजन हो जाए, 2 मिनट में हम कवर कर लेते हैं क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी है मराठा अंपायर में। मराठा अंपायर में हमने सबसे पहले पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी, उनका जीवन, कि उन्होंने किस तरीके से मराठा अंपायर को एक तरीके से फाउंड किया, इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और उसके बाद ये 1674 में छत्रपति की उपाधि लेते हैं। 1674 से लेके 1680 तक ये एज ए छत्रपति शासन करते हैं, और उनके बाद इनकी डेथ हो जाती है। शिवाजी की डेथ के बाद इनका बड़ा बेटा शंभाजी 1680 से लेके 1689 तक एज ए छत्रपति रहता है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है संभाजी महाराज की। उसके बाद शंभाजी का जो बेटा है शाहूजी उस समय मुगल जेल में होता है, इसीलिए शंभाजी का छोटा भाई राजा राम जो है वो छत्रपति बन जाता है 1689 से लेके 1700 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विडो, जो उनकी विधवा होती है ताराबाई, वो अपने 4 साल के बेटे शिवाजी द्वितीय को लेके राज सिंहासन पर बैठ जाती हैं, और 1700 से लेके 1707 तक ये शासन करती हैं। उसके बाद शाहूजी जेल से छुट के आ जाते हैं, आपको पता है बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का शासक बन जाता है, वहां पे मुगल सत्ता उसके हाथ में आ जाती है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में जब शाहूजी आते हैं तो ताराबाई उसको शासन देने के लिए मना कर देती है, इसी वजह से उनके बीच में एक युद्ध होता है, वो युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। इस खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ शाहूजी की मदद करते हैं और शाहूजी जीत जाते हैं, और उसके बाद छत्रपति बन जाते हैं शाहूजी 1707 से लेकर 1749 तक। लेकिन इसी समय पे ये नॉर्दर्न एरिया में इनका रूल होता है, लेकिन शंभाजी द्वितीय जो होते हैं और शिवाजी द्वितीय, देखो पहले शिवाजी द्वितीय होते हैं, इनकी जल्दी ही एज में उम्र में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शंभाजी द्वितीय जो राजा राम की एक दूसरी वाइफ के पुत्र थे वो शासक बन जाते हैं, और दक्षिण का जो हिस्सा है वहां पे वो अपने आप को छत्रपति समझते हैं, और ये चीजें भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। ठीक, ये कंटेम्प्रेरी होते हैं शाहूजी के। लेकिन जब शाहूजी का अंतिम समय आता है तो उस समय उनका कोई पुत्र नहीं होने की वजह से वो ताराबाई के पोते यानी राजा राम द्वितीय को एज ए सक्सेसर अपॉइंट कर देते हैं, यानी कि ये उनका छत्रपति बनेगा इनके बाद। तो राजा राम द्वितीय एक छत्रपति बनता है 1749 से लेकर 1777 तक। ठीक है, ये तो रहा छत्रपतियों का इतिहास। उसके बाद हम आते हैं पेशवाओं के इतिहास पे। देखो डेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। अभी तक हमने पढ़ा है बालाजी विश्वनाथ के इतिहास को, जो कि 6ठे पेशवा थे, लेकिन फिर भी इनको दूसरा फाउंडर बोला जाता है इस अंपायर का। ये जो मराठा अंपायर है इसका दूसरा फाउंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ट्रू मायने में आगे चल के इसको डिप्लोमेसी और जो ये पावर है इसको एक तरीके से एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, शिवाजी के बाद तो इन्होंने 1713 से लेकर 1720 तक पेशवागिरी को संभाला, पेशवाइसेफ को संभाला। उसके बाद इनका बेटा बाजीराव प्रथम, जो कि सबसे अच्छा पेशवा माना जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पेशवा माना जाता है, वो रहा 1720 से लेकर 1740 तक, और इन्हीं का वीडियो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। तो इनकी बायोग्राफी मैंने कंप्लीट करा दी, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन को क्लिक दबाएंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद है रघुनाथ राव, इनके बेटे हैं रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव जो हैं यही इनके बड़े बेटे होते हैं, और बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब नाना साहब भी दो हुए हैं, एक ये नाना साहब जो 1740 से लेकर 1761 तक शासक करने पेशवा का पद संभालते हैं, और एक वो नाना साहब आएंगे जो 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे, उनका भी हम देखेंगे इसी स्लाइड में, मैं आपको अंत में बताता हूँ। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव जो हैं ये बनते हैं 1740 से लेके 61 तक पेशवा, और 1761 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है
एक जो भारतीय इतिहास में सबसे ब्रूटलेस्ट बैटल माना जाता है वो था पानीपत का युद्ध, ब्रूटलेस्ट में से एक था, ठीक है। पानीपत तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया और उसके बाद ये जो मराठा पावर है ये पूरी तरीके से क्षीण भिन्न हो गई। इनके बाद एक तरीके से बहुत ही कमजोर पड़ गया था क्योंकि मराठों की इस पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक। बालाजी बाजीराव के बाद वो इस पानीपत की लड़ाई में विश्वास राव जो है इनका बड़ा बेटा, उसकी तो मृत्यु हो जाती है। बालाजी बाजीराव युद्ध में नहीं शहीद होते हैं, याद रखना, बालाजी बाजीराव जाते ही नहीं है युद्ध में और वो अंदर ही अंदर घुट के उनको डिप्रेशन में आके वो बाद में एक तरीके से उनकी डेथ हो जाती है 1761 में ही, ठीक। उसके बाद इनका जो बेटा है यंगर, दूसरा बेटा विश्वास राव के बाद माधव राव प्रथम, ये बनता है पेशवा 1761 से लेकर 1772 तक और ये बाजीराव के बाद सबसे योग्य पेशवा माना जाता है। तो ये सेकंड माना जाता है, ये सबसे सबसे अच्छा पेशवा बाजीराव प्रथम को माना जाता है, ठीक है। और कुछ लोग माधव राव को भी सबसे अच्छा पेशवा मानते हैं, उसका रीजन भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर आता है माधव राव के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई जो है नारायण राव, और नारायण राव एक साल के लिए शासन करता है। इसी के बाद इसके चाचा जो है रघुनाथ राव इसकी हत्या कर देते हैं, वो एक साल के लिए शासन करते हैं, पेशवा बनते हैं। और उसके बाद माधव राव द्वितीय इसको गद्दी से हटा के जो लीडर्स होते हैं मराठा अंपायर के, वो इसको लीडर हटा देते हैं और माधव राव को बना देते हैं। उसके बाद इसका देखेंगे, उसके बाद लास्ट जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, जिन्होंने 1795 से लेके 1818 तक पेशवा सिर्फ संभाली और 1818 में पेशवा का पद जो था उसको डिजोल्व कर दिया गया। और यहाँ पे क्यों कर दिया गया, तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था एंग्लो और मराठा के बीच में, तो उसमें इनको एक तरीके से पेशवासिप को हटा दिया और पुणे से इनको शिफ्ट कर दिया, पेंशन पे कानपुर भेज दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे, बस आप बने रहिए, पूरी चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं बालाजी बाजीराव को, जिन्होंने पेशवासिप को संभाला 1740 से लेकर 1761 तक। जब बाजीराव की डेथ होती है, इनके पिता बाजीराव प्रथम की बात कर रहा हूं, तो इनके बेटे जो हैं बालाजी बाजीराव ये 17-18 साल के होते हैं और इनको बनाया जाता है पेशवा और इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 1741 में, एक सेकंड, मैंने आपको यहां बताया नहीं कि नाना साहब दूसरे कौन थे, इन्हीं बाजीराव द्वितीय का एक दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था धोंदू पंत, उस धोंदू पंत को ही आगे चल के नाना साहब बोला जाता है। क्यों बोला जाता है देखेंगे अभी, चले आगे चल के, ठीक। वो नाना साहब था, बस इतना देख लो अभी। फिर है 1741 में इन्होंने क्या क्या चीजें की, देखो 1740 में पद संभाला, 1741 में इन्होंने मुगल एम्परर के साथ एक ट्रीटी साइन की और उसमें इनका जो वैलिडेशन था राइट्स का, मराठा और मराठों का जो मालवा पे, मालवा को जीता था मराठों ने, आपको पता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 1737 के अंदर मालवा को कम्प्लीटली इन्होंने कैप्चर कर लिया था, 1727-28 में भी कैप्चर कर लिया था, लेकिन फिर भोपाल का जो वॉर होता है, भोपाल की जो लड़ाई होती है उसमें कम्प्लीटली मालवा, अवध, दिल्ली और जो निजाम ऑफ हैदराबाद है, इस सभी को ये हरा देते हैं, जो बाजीराव प्रथम है वो हरा देते हैं। तो यहाँ से इनको वैलिडेशन मिलता है कि ये चौथ और जो सरदेशमुखी है उसको वसूल सकते हैं, एक तरीके से मराठा की एक तरीके से अधीनता स्वीकार कर लेता है यहाँ पे मुगल एम्परर, क्योंकि मुगल एम्परर की अब कोई हैसियत नहीं होती, आलम शाह प्रथम होता है इस समय, ठीक। तो वो एक जैसे कमजोर हो जाता है, देखो सॉरी 41 में तो वही होता है जो नादिर शाह के समय कौन था यहाँ पे, मोहम्मद शाह रंगीला, तो 41 में तो वही होता है, उसके बाद आलम शाह आएगा, आगे चलेंगे। तब 15 दिसंबर 1749 को शाहूजी की डेथ हो जाती है। शाहूजी जो आपको पता है शाहूजी ही चल रहे हैं अभी तक छत्रपति, बालाजी विश्वनाथ के समय भी, बाजीराव प्रथम के समय भी और बालाजी बाजीराव के समय भी शाहूजी चल रहे थे, लेकिन इनके समय जब बालाजी बाजीराव हैं इनके समय इनकी मृत्यु हो जाती है शाहूजी की। शाहूजी की मृत्यु हो जाती है और उनके कोई बेटा नहीं होता है, इसी वजह से वो राजा राम द्वितीय को जो कि ताराबाई का ग्रैंडसन था उसको अपना सक्सेसर अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1750 में राजा राम सेकंड जो है वो छत्रपति की उपाधि धारण करता है। अब मैंने क्या है कि मैं एक चीज आपको अभी बताना चाहूंगा कि देखो मैंने जब वीडियो बनाया था राइज ऑफ पेशवा उसमें मैंने एक चीज गलती से बता दी थी, मैंने कमेंट सेक्शन में हालांकि बाद में बता दिया है कि जो एक ट्रीटी साइन हुई थी संगोला की ट्रीटी, और ये संगोला की ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में, वहां पे मैंने बालाजी विश्वनाथ कर दिया था उसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो संगोला की ट्रीटी है 1750 में साइन हुई, ये हुई थी बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में, और इस ट्रीटी में
इस ट्रीटी में क्या था, ये रघुजी भोसले ने साइन करवाई थी, क्योंकि इनसे पहले आपको पता है कि ये जो पेशवा और छत्रपति के बीच में जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लेके यहाँ तक आते आते एक वो बन गया था कि कौन ज्यादा पावरफुल होगा। अब देखो एक्चुअल पावर को तो अभी भी पेशवा ही रख रहे थे, जब हम बात करते हैं बाजीराव के समय भी जो एक्चुअल पावर थी वो बाजीराव के पास ही थी, ठीक है, पेशवा तो नाम मात्र का था, पेशवा सिर्फ हेड होता था। लेकिन यहाँ आते आते इन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ही ली एंड ऑफ द डे, एक ट्रीटी ऑफ संगोला साइन की, और इस ट्रीटी में ये कहा गया कि ये जो छत्रपति है ये नॉमिनल हेड रहेगा, इसके पास ज्यादा पावर नहीं रहेगी, और जो मेन लीडर है वो रहेगा पेशवा। तो ये जो सारी पावर है मराठा पॉलिटिक्स की जो पावर है वो सारी पूना में शिफ्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पेशवा कहाँ रहता था, पूना में रहता था, आज उसको पुणे बोलते हैं, तो पूना के अंदर अभी पूरी की पूरी जो ताकत है वो आ गई थी, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, 1752 में पेशवा ए ट्रीटी विद मुगल एम्परर, और उसके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं 1752 में, और कहते हैं कि ये जो जितना भी एरिया मुगलों के अधीन आता है उस सारे एरिया में अगर तुम हमें चौथ और सरदेशमुखी दे दो तो हम तुमसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्ही पे कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, तुम्हें एक तरीके से मिलिट्री असिस्टेंस और देंगे। तो इस पे राजी राजी मुगल एम्परर ने साइन कर दिया, क्योंकि मुगल एम्परर अभी तक बहुत ही कमजोर हो चुका था। आप मुगलों को वैसे मत समझिए जो औरंगजेब के समय तक हुआ करते थे, बाद के जो मुगल्स हैं वो कुछ भी नहीं थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी, कमजोर थे काफी, इसीलिए इन पेशवाओं ने इनको बहुत ही दबा के रखा, ठीक। तो 1752 में ये ट्रीटी भी साइन हो गई। उसके बाद देखो बालाजी बाजीराव काफी अच्छे पावरफुल लीडर माने जाएंगे, देखे जाए तो आप पहले बाजीराव भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बालाजी बाजीराव ने भी अच्छा काम किया है। लेकिन आगे चल के एक बड़ी घटना होती है, और वो बड़ी घटना क्या होती है, ये 1759 का मैप है। देखो कितना बड़ा भारत में इन पेशवाओं का, इन मराठा अंपायर का कितना बड़ा शासन होता था, ये भगवा सारा, और इन्होंने यहाँ से शुरू किया था, छोटा सा एरिया से शुरू किया था। इवन शिवाजी के समय जिनको इतना बड़ा एक्सपेंशनिस्ट माना जाता है उन्होंने भी इतना सा एरिया ही जीता था, लेकिन इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया इन पेशवाओं ने इनके लिए मिलके। 1760 आते आते इतना बड़ा अंपायर था, लेकिन फिर 1761 में एक बड़ी घटना होती है, वो होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध। ये लड़ा जाता है 14 जनवरी 1761 को, किनके मध्य, मराठा अंपायर और दुर्रानी अंपायर के बीच में। दुर्रानी अंपायर था अफगानिस्तान का, और इसका लीडर था अहमद शाह दुर्रानी, या जिसको अहमद शाह अब्दाली भी बोलते हैं। अहमद शाह अब्दाली जो था ये नादिर शाह का वंशज था, वही नादिर शाह जो पिकॉक थ्रोन उठा के ले गया था दिल्ली को लूट के मोहम्मद शाह रंगीला के समय, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 1739 में उसने भारत पे आक्रमण किया था, नादिर शाह का आक्रमण जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्शिया का नेपोलियन, नादिर शाह को पर्शिया का नेपोलियन बोलते हैं। और जब भी किसी को नेपोलियन की उपाधि दी जाती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना नेपोलियन की उपाधि का मतलब होता है कि वो आदमी बहुत ही अच्छा मिलिट्री लीडर है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में जो फ्रांस का नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो बहुत ही अच्छा मिलिट्री लीडर माना जाता था। इसीलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े मिलिट्री लीडर्स हैं उनको नेपोलियन की उपाधि दी गई। जैसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, मैंने बताया है गुप्ता टाइम में समुद्रगुप्त का, आप जाके देखेंगे इतिहास, तो उसको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। उसी तरीके से पर्शिया का नेपोलियन बोला जाता है नादिर शाह को, और उसी का वंशज था अहमद शाह दुर्रानी। ये अहमद शाह दुर्रानी ने भारत पे आक्रमण क्यों किया, इस युद्ध में ये जो मराठे हैं ये क्यों हारे, युद्ध के परिणाम एक लार्ज स्केल पे क्या रहे, सारी चीजें मैं आपको इस स्लाइड में नहीं बताऊंगा, क्योंकि पानीपत का युद्ध हमें 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसी में आपको एक अच्छा एक ओवरव्यू मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ मराठों का देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई, एक चीज को हमें तोड़ना नहीं है, एक तरीके से पड़ेंगे। तो ये युद्ध लड़ा गया मराठों और दुर्रानी अंपायर के बीच में। मराठों की तरफ से लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। विश्वासराव उस समय एक एडल्ट भी नहीं थे, एक माइनर एज के थे, लगभग 16-17 साल के थे विश्वासराव, जो कि बड़े बेटे होते हैं बालाजी बाजीराव के। बालाजी बाजीराव खुद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे होते हैं मराठा अंपायर में, लेकिन वो अपने बेटे को भेजते हैं विश्वासराव को, अपने भतीजे को भेजते हैं सदाशिवराव को, जिसको मेन कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। साथ ही साथ मल्हारो होलकर को भेजा जाता है। ये तो होते हैं इसके तरफ से,
किसकी तरफ से? मराठा अंपायर की तरफ से ये युद्ध करते हैं, और सामने मराठा दुर्रानी अंपायर को लीड कर रहा होता है खुद अहमद शाह दुर्रानी। और इस युद्ध में ये पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये सबसे ब्रूटल युद्ध था। अगर हम पानीपत की तीनों लड़ाइयों में भी देखें तो ये सबसे ब्रूटलेस्ट बैटल था, और ये जो युद्ध लड़ा गया इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ दोनों ही सेनाओं को, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अफगान आर्मी है वो जीत गई और यहाँ पे हार होती है मराठों की, और मराठे को बहुत बड़ा सेटबैक लगता है इस युद्ध में। यहाँ पे मराठे बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे आ जाते हैं, उनकी सेना का बहुत बड़ा लॉस होता है, सेना बचती नहीं है उनको। मान लो ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में मराठों के जो आर्मी में हर घर में हर एक एक बंदा तो कम से कम यहाँ पे शहीद हुआ था। और इसकी सपोर्ट दुर्रानी अंपायर को भारत में किसका सपोर्ट मिला? रोहिल्याज ऑफ दोआब, दोआब के रोहिल्याज थे, और सुजोदुल्ला था, सुजोदुल्ला जो था नवाब ऑफ अवध है उसका भी साथ मिला था। अब सुजोदुल्ला का तो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, हम बक्सर का युद्ध देखेंगे, प्लासी का युद्ध देखेंगे, तो वहां पे हम सुजोदुल्ला के बारे में काफी डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है? तो वो चीजें हैं, और हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो नेक्स्ट स्लाइड में ही देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही देखने वाले हैं, सॉरी, ठीक है? उसके बाद मराठे यहाँ पे हार गए इसके, और ये भी रीजन था कि यहाँ पे ये जो डोमेस्टिक इनको सपोर्ट था वो नहीं मिला, राजपूतों ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया, जाटों ने भी नहीं किया और सिखों ने भी नहीं किया। कारण ये था कि इनके जो रिलेशंस हैं वो इनके साथ खराब हो गए थे, राजपूतों के साथ, जाटों के साथ और सिखों के साथ। टैक्स से लेके ये जो इनसे टैक्स वसूली किया करते थे उस समय एक तरीके से इनके रिलेशन खराब हो गए थे, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाहते थे कि ये जो पावर है मराठों की ये कहीं ना कहीं कमजोर हो तो हमें भी फायदा हो, ठीक है? तो इस वजह से तीसरा बैटल जो था पानीपत का वो हार गए मराठे, और उसके बाद मराठा अंपायर की बहुत ही बुरी हालत हुई, और इसमें अंदर हजारों लाखों सैनिक मारे गए मराठा अंपायर के। इवन ये जो दुर्रानी की जो आर्मी थी ये बहुत ज्यादा ब्रूटल थी, आर्मी ने युद्ध खत्म होने के बाद, हार मानने के बाद भी कैंप में घुस घुस के लोगों को मारा, जो सिविलियंस थे उनको मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा। ये मराठा अंपायर आर्मी जो थी इसको बहुत ज्यादा नुकसान किया, ठीक है? ये चीजें हुई। अब ये जो खबर है बालाजी बाजीराव के पास पहुंची कि उनका बेटा विश्वास राव, उनका भतीजा, उनके जो सैनिक, उनकी जो बड़ी आर्मी है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो बालाजी बाजीराव एक बहुत ही डीप पेन में चले जाते हैं, और इतना उनको शोक लगता है कि वो इससे कभी रिकवर नहीं हो पाते, और कुछ ही महीनों में इनकी डेथ हो जाती है। 1761 का समय है, इसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो दुर्रानी तो अब इसके बाद क्या हुआ, दुर्रानी भारत में रुका नहीं, दुर्रानी तो भारत से चला गया, जैसे इसका पूर्वज जो था नादिर शाह चला गया तो वैसे ही चला गया उसने। ये जो है शाह आलम द्वितीय को दिल्ली का एम्परर घोषित कर दिया और वहां से वो चला गया। लेकिन पीछे क्या रहा, पीछे ये जो बड़ा अंपायर था मराठों का ये पूरी तरीके से क्षण भिन्न हो गया। छोटे छोटे जो अंपायर थे, छोटे छोटे जो राजा थे अपने आप को तुर्रम खां समझने लग गए, और वो मराठों की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अब उनको लगने लगा कि मराठे बहुत ही कमजोर हो गए। तो इस युद्ध के बारे में एक बात कही जाती है कि इस युद्ध ने ये बात तय नहीं करी कि आगे चल के भारत पे शासन कौन करेगा, बल्कि ये बात तय की कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा, मतलब मराठे भारत पे शासन नहीं करेगा। ये जो मैंने लाइन बोली है ये किसने बोली है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ये मैंने जो अभी लाइन बोली है, ठीक। उसके बाद आता है माधवराव प्रथम। अब देखो विश्वास राव की मृत्यु हो गई है, तो बालाजी बाजीराव का जो दूसरा पुत्र है माधवराव प्रथम, ये उस समय 17 साल का होता है, और इसको बनाया जाता है पेशवा 1761 में। अब इसको माना जाता है कि ये सबसे टैलेंटेड पेशवा था, पूरे पेशवाओं की जितनी भी हमारे को लिस्ट पता है उसमें सबसे अच्छा, सबसे टैलेंटेड यही था। क्यों माना जाता है ऐसा? देखो बाजीराव को मैं मानूंगा सबसे ऊपर, क्योंकि उसने इतने सारे युद्ध जीते, इतना अपने एरिया को एक्सपांड किया। लेकिन आप एक चीज देखिए, बाजीराव ने एक टूटे हुए अंपायर को नहीं बनाया, उसके पास एक अच्छा खासा अंपायर था, बालाजी विश्वनाथ ने उनको अच्छी खासी सत्ता दी थी, उसको वो आगे लेके गए और बहुत आगे लेके गए। लेकिन अगर हम बात करें माधवराव प्रथम की, तो इन्होंने एक ऐसे अंपायर को कंसोलिडेट किया जो पूरी तरीके से बिखर चुका था 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद। ये जो अंपायर है ये पूरी तरह से टूट फूट गया था, खत्म हो गया था, लेकिन अपने आने वाले 11 साल में ही माधवराव ने ये तय प्रूव कर दिया कि मराठा अंपायर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी भी जान बाकी है। कैसे किया? निजाम को हराया,
हैदर अली जो था उस समय मैसूर का राजा था। मैसूर के बारे में मैं आपको बताऊं, मैसूर को आप जानते हैं टीपू सुल्तान जो है उसी के पिता थे हैदर अली। तो हैदर अली को 3 बार युद्ध में हराया। उसके अलावा काफी जो रोहिल्लाज थे जिन्होंने सपोर्ट किया था दुर्रानी का, उनको हराया, राजपूतों को, जाटों को, इन सभी चीफ को इन्होंने फिर से हराया और इनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई वापिस से। इनसे ये जो चौथ और सरदेशमुखी है ये टैक्स इन्होंने वापिस से वसूल के दिखाए। तो इस तरीके के थे माधव राव और इसीलिए इनको ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेशवा माना जाता है। ठीक, इसके बाद एक चीज और थी। अब देखो जब बाजीराव थे तो उनको किसी तरीके की सिविल वॉर से नहीं निपटना पड़ा, अब माधव राव को उससे भी निपटना पड़ा क्योंकि इसी के चाचा जो थे, माधव राव के जो चाचा थे रघुनाथ राव, जो कि हम बात करें बालाजी बाजीराव के भाई, उनको वो चाहते थे कि वो भी सत्ता में आए। अब बालाजी बाजीराव के बाद बनता है कि उनके बेटे ही राज शासन करेंगे। अगर रूल के हिसाब से देखें तो पहले ये जो पेशवाशिप का तरीका था कि बाप के बाद उसका बेटा बनेगा, लेकिन रघुनाथ राव चाहते थे कि वो शासन करें, इसीलिए वो बार बार माधव राव को धोखा देते थे, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचते थे, इवन उनको मारने की भी कोशिश की है उन्होंने। माधव राव ने एक बार रघुनाथ राव ने माधव राव की एक बार आर्मी को हरा दिया था। उसके बाद माधव राव को इनके साथ समझौता करना पड़ा और एक तरीके से उनको रिजेंट की तरह अपॉइंट किया, उनको अपना एक तरीके से संरक्षक माना और उनकी भी एक तरीके से राज दरबार में चलने लगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, माधव राव ने फिर से अपनी चीजें करनी स्टार्ट कर दी और रघुनाथ राव को लगने लग गया कि अभी भी उनके हाथ में पावर पूरी तरीके से नहीं आई है, इसीलिए उन्होंने माधव राव को मारने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आगे चल के देखो कहीं सक्सेसफुल भी होगा, क्या करता है देखते हैं। अब उसके बाद 1764 में माधव राव ने मैसूर को जीता, हैदर अली को हराया। ठीक है, उसके बाद 2 बार और भी हराया, तो 3 बार टोटल हराया और जब तीसरी बार हरा रहे थे उसी समय इनकी भी मृत्यु भी हो जाती है माधव राव की। कैसे होगी वो देखेंगे हम, बैटल में नहीं शहीद होते हैं, टीबी से इनको टीबी हो जाती है और टीबी से इनकी मृत्यु होती है। आगे देखो, पहले चीज देखते हैं मराठा अंपायर को, एक बार जियोग्राफी देखो। जब बात आती है ये माधव राव का जो समय है, इस समय तक देखो 1700 हम पहुंच चुके हैं, 1775 के आसपास, 1770 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1770 का जो समय था उस समय पे मराठा अंपायर ये मेडाइवल मध्य भारत में था, इसने अपना एरिया को फिर से कंसोलिडेट कर लिया माधव राव ने। और इस समय बाकी भारत में क्या चल रहा था, इधर देखो राजस्थान में राजपूत है, ये मुगल अंपायर है, यहाँ पे अवध है, मुगल हैं, और ये जो हमारा बंगाल है यहाँ पे आपको पता है बक्सर का, प्लासी का युद्ध हो चुका है और बंगाल पे अभी ब्रिटिशर्स की टेरिटरी बन चुका था। ठीक है, उसके बाद हम देखें नीचे हैदराबाद में निजाम है, मैसूर में हैदर अली है, तो ये तीनों चारों तरफ इसके दुश्मन हैं। अगर देखें तो मुगल इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन बाकी सब इनसे बहुत ही बाकी देखें तो वो बहुत पावरफुल हैं और वो मराठों के साथ कभी भी एक तरीके से वॉर सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो इस समय पे माधव राव ने इस अंपायर को एक्सपांड भी किया और इसको बचा के भी रखा, लेकिन फिर आगे चल के क्या होता है देखो। 3 दिसंबर 1767 को ब्रिटिश ऑफिसर मस्टिन अराइव टू पुणे। मस्टिन जो है वो पुणे आता है और वो माधव राव से मिलके ये कहता है कि वो अपनी आर्मी, ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी खुद की आर्मी सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन माधव राव इस चीज की परमिशन नहीं देता है। देखा, तो माधव राव से परमिशन मांग रहे हैं अभी तक ब्रिटिशर्स उनसे परमिशन मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहे, इसका मतलब माधव राव का ओधा आप समझिए। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ही 1772 में मृत्यु होती है, 3 साल बाद एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है, वो चीजें समझना है आपको। तो माधव राव को क्यों ग्रेट बोला जाता है वो चीजें देखो। उसके बाद रघुनाथ राव ने इनको मारने की कोशिश भी की और इनको काफी बार इनको हराने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सीड नहीं हुआ। 18 नवंबर 1772 में जब माधव राव एक कैंपेन करके आ रहे होते हैं, तीसरी बार हरा के आ रहे होते हैं हैदर अली को, उस समय इनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है यानी टीबी हो जाती है और उसी की वजह से एक कम उम्र में, सिर्फ 27 साल की उम्र में 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इतनी कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद ये जो मराठा अंपायर है ये वापिस से कमजोर पड़ने लगेगा। देखिए बहुत अभी सारी चीजें होने वाली हैं। रामाबाई जो इनकी वाइफ थी वो इनके साथ सती हो गई थी। ठीक है, इनके बारे में एक फेमस कोट है ब्रिटिश सोल्जर और हिस्टोरियन, इसी से आपका इनके ओहदे का अंदाजा लगा सकते हैं। जेम्स ग्रांट डफ ने कहा था कि एंड द प्लेन्स ऑफ पानीपत वर नॉट मोर फेटल टू द मराठा अंपायर देन द अर्ली एंड ऑफ दिस एक्सीलेंट प्रिंस। ये बात कही थी माधव राव प्रथम के बारे में, उन्होंने कहा कि पानीपत की जो लड़ाई थी
वो भी इतनी फैटल नहीं थी जितनी कि माधवराव प्रथम की मृत्यु थी। मराठा अंपायर के लिए ये बड़ी ट्रेजडी थी। देखिए आप ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा अंपायर क्षण भिन्न हो गया था उस पानीपत के तीसरे युद्ध में, लेकिन फिर भी ये इसको बड़ा लॉस मान रहे हैं क्योंकि इसने फिर से अपने अंपायर को बना लिया था। और अब अंग्रेज जानते थे कि अब हम मराठों को ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सबसे बढ़िया लीडर था वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब आता है माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव। अब देखो एक बार के लिए फिर से हम उसी स्लाइड पे चलते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। बालाजी बाजीराव को देखा, फिर विश्वास राव तो युद्ध में शहीद हो गए, माधवराव का समय देखा। अब माधवराव की मृत्यु के बाद इनका छोटा भाई जो होता है नारायण राव, इनको अपॉइंट किया जाता है एज ए पेशवा। तो ये 1772 में पेशवा बनते हैं और यहाँ से रघुनाथ राव यहाँ से पेशेंस खो देता है और उसको गुस्सा आ जाता है कि अब बहुत हुआ, मेरे भतीजों को बनते हुए पेशवा, अब मेरे को पेशवा बनना है। तो वो गलती करता है, बेवकूफ़ी करता है, नारायण राव की हत्या करवा देता है। एक साल बाद ही मतलब हत्या करवा देता है नारायण राव की, खुद के भतीजे की। लेकिन फिर ये चाहता है कि खुद पेशवा बने। ये पेशवा बनता है लगभग एक साल के लिए और इसको फिर लोग हटा देते हैं। ये जो लीडर होते हैं मराठा अंपायर में, जो पावरफुल लीडर्स होते हैं, वो रघुनाथ राव को अपना पेशवा मानते ही नहीं है और वो इसको हटा देते हैं, राजगद्दी से हटा देते हैं। इस चीज से रघुनाथ राव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो जाके अंग्रेजों से हाथ मिलाने की कोशिश करता है। और इवन इसी वजह से जब ये 1773 में जाके अंग्रेजों से युद्ध मिलाता है, हाथ मिलाता है रघुनाथ राव, तो ये उनके साथ एक ट्रीटी साइन करता है, सूरत की ट्रीटी साइन करता है। और सूरत की ट्रीटी में यही होता है कि वो एज ए पेशवा वर्क करता है, क्योंकि देखो इन्होंने मराठा लीडर्स ने इसको पेशवा मानना बंद कर दिया, लेकिन ये एज ए पेशवा अगर किसी तरीके का ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई चीज देगा तो वो मराठे उस चीज को नहीं मानेंगे। और यही रीजन रहा कि आगे चल के एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। अब देखो मैंने क्या कहा, पानीपत का युद्ध हम अलग करेंगे और एंग्लो मराठा के बीच में तीन युद्ध हुए। तीनों युद्ध को हम एक साथ कवर कर लेंगे या फिर अलग अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, देखेंगे वीडियो की लेंथ के हिसाब से। पहला युद्ध जो था एंग्लो मराठा का, वो 1775 से लेके 82 तक हुआ। फिर 1803 से लेके 1805 के बीच में दूसरा युद्ध हुआ और तीसरा 1816 से लेके 18 के बीच में तीसरा युद्ध हुआ। तो तीनों युद्ध को पढ़ना है हमें। पहले युद्ध में क्या हुआ, ये जो पूरी तरीके से उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन दोनों ने, मराठों ने और अंग्रेजों ने अपनी अपनी पावर का प्रदर्शन किया और दोनों एक ट्रीटी के ऊपर, साल बाई की जो ट्रीटी है उसके ऊपर सहमत हो गए कि अगले 20 साल तक वो शासन नहीं करेंगे और किस किस एरिया में किसका शासन रहेगा, वो सारी चीजें पहले युद्ध के बाद हुई। फिर दूसरा युद्ध है, वो मराठे हारे और तीसरा युद्ध हारे और उसके बाद पेशवा का पद भी समाप्त हो गया। ठीक, अब बात आती है, हमने ये तक देख लिया, रघुनाथ राव और नारायण राव का समय भी हो गया है। अब आता है जब रघुनाथ राव को यहाँ से जो लीडर्स हैं वो हटा देते हैं, तो उसके बाद माधव राव जो है एक बेटा पैदा होता है नारायण राव की, जो विधवा है उनको, और ये 40 दिन का होता है सिर्फ 40 दिन का। माधव राव द्वितीय जो है इसी को पेशवा अपॉइंट कर दिया जाता है। ये जो पॉलिटिकल जो पावरफुल लीडर्स होते हैं मराठा अंपायर के, उनमें भी अगर सबसे पावरफुल देखें तो नाना फडणवीस जो हैं, ये इनको अपॉइंट कर देते हैं एज ए पेशवा। 40 दिन का होता है और सालबाई की ट्रीटी में भी ये चीज़ थी कि जो पेशवा का जो रूलर है वो उनका बेटा ही बनेगा। ठीक है, ओके। फिर है नानाभाई फडणवीस ने क्या किया, अब पावर को अपने हाथ में ले लिया। सबसे पहले तो इन्होंने एक काउंसिल बनाई 12 मेंबर्स की और बहुत ही अच्छे मेंबर थे वो 12 जो लीडर्स जो थे, पावरफुल लीडर्स जो थे मराठा अंपायर के। इस काउंसिल को बोला जाता है 12 भाई बोला जाता है। और ये जो थे ये स्टेट के जो अफेयर्स थे उनको कंडक्ट करने में मदद करते थे, किसकी, नारायण राव की। अब नारायण राव की मदद तो क्या करते थे, ये 40 साल का बच्चा था, ये तो सिर्फ एज ए नॉमिनल हेड था, ये कुछ काम नहीं करता था, ऑब्वियसली बच्चा था। तो ये जो सारी पावर थी एज ए पेशवा जो थे वो नाना फडणवीस ही कर रहे थे। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद सवाई माधव राव, इनको सवाई माधव राव भी बोला जाता है, माधव नारायण राव भी बोला जाता है, माधव राव द्वितीय भी बोला जाता है। तो तीनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब माधव राव जो है वो बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनको लगता है कि मैं पेशवा तो हूँ लेकिन मेरा रोल क्या है। पेशवा होते हुए भी वो किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और जब वो 21 साल के होते हैं तो इस चीज़ से परेशान होके कि उनके पास किसी तरीके की कोई पावर नहीं है, तो वो शनिवारवाड़ा जो है पुणे का, जो कि इनका रहने का आवास हुआ करता था,
पेशवाओं का, वहां से छलांग लगा के उसकी छत से सुसाइड कर लेते हैं। तो माधवराव द्वितीय जो थे इन्होंने सुसाइड किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से पेशवा थे जिन्होंने सुसाइड किया, आत्महत्या कौन से पेशवा ने की, क्या नाम था, तो माधवराव द्वितीय। ठीक है, तो 1795 में इन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? रीजन यही था कि नानाजी फडणवीस ने पूरी पावर को कैप्चर कर रखा था, इनको किसी तरीके की कोई पावर नहीं थी, तो इस चीज से ये परेशान हो गए थे, यही इसका रीजन माना जाता है। ठीक, फिर यहां से आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यहां के बाद कोई ढंग का पेशवा इनका हुआ नहीं। एक्चुअल में देखें तो सिर्फ एक ही पेशवा हुआ है, बाजीराव द्वितीय, उसको हम देखेंगे। तो डिक्लाइन होने के पीछे के कारण क्या थे? अब देखो, ये यहीं से जब माधवराव द्वितीय है, यहीं से जब पावर है वो इन लीडर्स के हाथ में आने लगी, फडणवीस वगैरह के। इसके अलावा ये जो गोयकवाड़ थे बड़ौदा के, देखो इनकी जगह अगर हम मराठे लीडर्स की बात करें, सामंतों की या सरदारों की बात करें, तो इनमें कुछ पावरफुल सरदार कौन कौन थे? गोयकवाड़ थे बड़ौदा के, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। ये जो थे ये बहुत ही पावरफुल लीडर हुआ करते थे, इनकी खूब चलती थी मराठा अंपायर के समय पे। ठीक है, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो चलती थी वो पेशवा हुआ करता था। अब पेशवा तो इनके समय तक आते आते कमजोर हो गया, क्योंकि माधवराव ने भी सुसाइड कर लिया, पहले वो बच्चा था, तो इन्होंने, इन लोगों ने इस समय में अपनी पावर को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे स्टेट थे अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लग गए, अपने आप को एक तरीके से अपनी पावर को का जो है वो मिसयूज करने लग गए। ठीक है, और ये जो अलायंस थे पेशवा के, ये पेशवा के अलायंस नहीं रहे और खुद के हितों के बारे में ज्यादा सोचने लग गए। साथ ही साथ जो महजदी सिंधिया थे और नाना फडणवीस थे, इनके बीच में भी डिस्प्यूट था दोनों के बीच में, क्योंकि महजदी सिंधिया को लगता था कि नाना फडणवीस ने पेशवा का तो जो पद है उसको ही खा गया फडणवीस, और अब तो ये खुद को पेशवा समझने लग गया और हमें ये कमजोर समझता है, जबकि ये किसी एज देखें तो ये कोई बड़े पद पे है नहीं, लेकिन फिर भी ये अपनी चलाता है। तो इसी वजह से महजदी सिंधिया यहाँ से चले गए और उसके बाद वो पेशवा खुद पेशवाओं को छोड़ के चले गए, और उसके बाद कुछ समय बाद ही 1784 में उन्होंने शाह आलम जो एम्परर था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी दौरान इन्होंने अपनी आर्मी को भी पावरफुल बना लिया था, और शाह आलम को ये विश्वास दिलाया कि मैं तेरी पेशवाओं से भी बचा सकता हूँ तुझे, और मुझे ही पेशवा समझो, अब मैं ही हूँ पेशवा, क्योंकि अब दिख रहा है कि मैं ही पेशवा हूँ और मुझे एक तरीके से इसको एम्परर का डिप्टी बन गया। ठीक है, तो वो एज ए पेशवा बिहेव करने लग गया वहां जाके। तो एक तरीके से सिंधिया जो थे ग्वालियर के, उन्होंने साथ छोड़ दिया और वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग गए पेशवाओं से। ठीक, तो एक तो ये डिक्लाइन का बड़ा रीजन रहा कि अपने अपने हितों का सोचने लग गए ये लोग। ठीक है, जो इनके कभी अलायंस हुआ करते थे। ठीक, अब आगे चलते हैं बाजीराव सेकंड जो कि अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे, अब आपको पता है स्वाई माधवराव जो थे उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे बचा कौन? ना विश्वास राव है, माधव राव का कोई पुत्र नहीं है, नारायण राव जो थे वो भी मर गए और उनके पुत्र हैं वो भी मर गए, तो कौन बचा? रघुनाथ राव की फैमिली में फाइनली सत्ता चली ही गई। सत्ता चली लेकिन कहाँ तक रही? कुछ गई नहीं आगे। बाजीराव सेकंड जो है वो बना यहाँ पे पेशवा 1795 में, और सबसे कमजोर पेशवा इसी बाजीराव सेकंड को माना जाता है। इस बाजीराव सेकंड ने, ये इसकी डेथ नहीं होती है 1818 में, जब आपको पता है तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है, उसके बाद बाजीराव द्वितीय को जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है और उसको पेंशन पे भेज दिया जाता है कि बस तुम्हारा काम खत्म हो गया और अब तुम्हें बिथुर जो है कानपुर के पास एक जगह है वहां पे इसको भेज दिया जाता है कि तुम्हें अब 8,00,000 साल के पेंशन मिल जाएगी ब्रिटिशर से, लेकिन तुम अब पेशवा नहीं रहोगे। ठीक है, और उसकी जो टेरिटरी है पुणे की वो सीधा इनके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन चली जाती है, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आपको पता है उस समय ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करती थी। ठीक है, अब बात यह है कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध है, मैंने आपको बताया 1816 से 19 के बीच में लगभग लड़ा गया। अब इन्होंने क्या किया, बाजीराव सेकंड को तो हटा दिया, लेकिन बाकी जो लोग थे उनको इन्होंने नहीं हटाया। बाकी जो लोग थे जैसे कि आपको पता है सिंधिया थे ग्वालियर के, ठीक है, गायकवाड़ थे बड़ौदा के, इन लोगों को इनको इनकी जो सत्ता है उसमें रहने दिया कि तुम भी अधीनता उनको भी की, उनके साथ भी ट्रीटी साइन की, लेकिन उनके पद को पूरी तरीके से नहीं हटाया। जैसे कि पेशवा का तो पद ही हटा दिया इन्होंने, पेशवा को तो डिथ्रोन करके उसको तो पेंशन पे भेज दिया कि अब छुट्टी हो गई भाई तुम्हारी, अब तुम रिटायर हो। ठीक है,
उसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सवाल पूछा जा सकता है कई बार कि कौन सा ऐसा प्रथम पेशवा था जिसने सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि पे साइन किए थे। सहायक संधि क्या होती थी? सहायक संधि जो थी उसका हिसाब से ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने जो रीजनल यहाँ पे पावर्स थी उनके साथ सहायक संधि साइन करवा लेते थे ताकि उनको आने वाले किसी वॉर में अगर मदद चाहिए तो उनको मदद करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे बाजीराव सेकंड ने जब सहायक संधि साइन की ब्रिटिशर्स के साथ तो आगे चल के जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए जिनमें अंग्रेजों की और मैसूर के जो हैदर अली और टीपू सुल्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें मराठों को साथ देना पड़ा अंग्रेजों का क्योंकि इन्होंने इनके साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर ली थी। तो ये चीज़ है कि दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सब्सिडरी अलायंस जो है वो सबसे पहले भारत में किसने साइन की तो वो था निजाम ऑफ हैदराबाद, और अगर पेशवाओं में पूछे तो ये बाजीराव सेकंड जो था इसने की थी। ठीक है, उसके बाद सब्सिडरी अलायंस वगैरह क्या है डिटेल में तो हम देखेंगे एंग्लो मराठा और एंग्लो मैसूर युद्ध में देखेंगे, वॉर में देखेंगे। अब क्या है, इसको पेशवा को तो भेज दिया कानपुर के पास बिठूर में, अब बाजीराव सेकंड जो है यही जो पेशवा इसकी मृत्यु हो जाती है 1853 में, लेकिन 1853 में ये पेशवा नहीं है, पेशवा तो ये सिर्फ 1818 तक ही था। उसके बाद इसका एक बेटा होता है जो एक अडॉप्टेड सन होता है, हालांकि इसका खुद का कोई बेटा नहीं होता है, उसका नाम होता है धोंदू पंत। ये धोंदू पंत जो है इसी को नाना साहब के नाम से जाना जाता है जिसने 1857 की क्रांति में बहुत ज़्यादा लीडरशिप की भूमिका निभाई थी उस जो अंग्रेजों के खिलाफ जो रिवोल्ट हुआ था पहला उसमें। ठीक है, तो ये कानपुर में था, इसने भी आगे चल के पेंशन की मांग की थी लेकिन इसको पेंशन देने के लिए भी अंग्रेजों ने मना कर दिया था। ठीक है, तो ये था हमारे वीडियो का अंत, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं साथ ही साथ, और आने वाले वीडियो जो हमारे होंगे वो पानीपत का तीसरा युद्ध और एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा युद्ध जो है उनको हमें देखना है। ठीक है, तो ये था वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।